हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कलिंग नेचर। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ मामाअर्थ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज़ का, एंड दिस इज़ SPF 20+। इट इज़ सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, एंड इट कैन बी अप्लाइड आफ्टर बर्थ अप टू 10 ईयर्स, एंड द नेट वॉल्यूम इज़ 100 ml। ये इस टाइप की पम्प बॉटल में आता है एंड इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। दिस इज़ द बैक पैनल, यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये कहती है कि ये नॉन ग्रीजी है, नॉन एलर्जेनिक है और पूरी बॉडी पर अप्लाई की जा सकती है इंक्लूडिंग फेस एरिया। एंड यहाँ पर इन्होंने की इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं और इन्होंने अपने सभी इंग्रेडिएंट्स का सोर्स और बेनिफिट्स अपनी वेबसाइट पर डिटेल में मेंशन किया हुआ है। एंड द मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर नेचुरल, विच इज़ वेरी गुड, बट द कम्प्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट इज़ नॉट एक्सपोज्ड। इसके बाद इन्होंने डायरेक्शंस फॉर यूज़ बताया हुआ है और इन्होंने बोला है कि डू नॉट अप्लाई ऑन वुंड्स, एंड इसे भी सभी सनस्क्रीन्स की तरह 2 घंटे में रीअप्लाई करना है। एज़ यू नो, मामाअर्थ इज़ ए प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड एंड दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज़। इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स एंड इट रिटेल्स फॉर MRP ₹299। सो फ्रेंड्स, जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसकी लिड हटाने पर एक और ट्रांसपेरेंट लिड मिलती है। इसे प्रोडक्ट स्पिलेज का कोई चांस ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द टेक्सचर और ये क्वांटिटी 1 पंप जितनी है और ये सफिशियंट होती है कंप्लीट फेस पे अप्लाई करने के लिए। इसकी क्रीमी काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है। लेट मी शो यू आफ्टर ब्लेंडिंग। सो जब आप इसे ब्लेंड करते हैं तो ये कुछ इस टाइप की वाइटिश टेक्सचर में चेंज हो जाता है और इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है। थोड़े टाइम छोड़ने के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये क्वांटिटी सफिशियंट है पूरे फेस के लिए, सो मेरे हैंड पर ये एक्सेस है। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स जब आप इसे कम्प्लीटली ब्लेंड करते हैं तो ये एक मैट फिनिश में कन्वर्ट हो जाता है। सो एज़ यू कैन सी, आफ्टर ब्लेंडिंग ये स्किन में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये लिटिल बिट ऑफ वाइट कास्ट भी छोड़ता है, बट दिस इज़ नॉर्मल। इसके वाइट कास्ट छोड़ने का एक रीज़न ये है कि एक मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है और इसमें जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया है फॉर सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। एंड जनरली मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन्स वाइट कास्ट छोड़ती ही हैं और बेबीज़ के लिए मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन्स ही अच्छी रहती हैं। केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन्स आर नॉट गुड फॉर बेबीज़ डेलिकेट स्किन। सो ओवरऑल मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ अपने बेबी के साथ, तो ये प्रोडक्ट उसे बहुत अच्छे से सूट किया। इसने उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी और मैं उसके फेस पर इसे डेली अप्लाई करती हूँ। जो ये माइनर सी वाइट कास्ट छोड़ता है वो भी 1-2 मिनट बाद सेटल डाउन होके नॉर्मल हो जाता है और वाइट कास्ट जैसा फील नहीं होता, नेचुरल स्किन टोन में मर्ज हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सनस्क्रीन फॉर बेबीज़ एंड बजट फ्रेंडली एज वेल। बट ये थोड़ी और बेटर हो सकती थी अगर इसका मॉइस्चराइजेशन पार्ट और अच्छा होता। हालांकि इसमें मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, बट जब आप इसे अप्लाई करते हैं बेबी की स्किन पर तो वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होगी और बिल्कुल मैट फिनिश देते हैं। सो ऐसा लगता ही नहीं कि मॉइस्चराइजिंग पार्ट भी है इसमें कुछ। शायद ऐसा इसलिए है कि ये खुद कहते हैं कि इनका नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है। सो मामाअर्थ वालों ने इसे मैट फिनिश देने के लिए ही फॉर्मुलेट किया है, बट मैं चाहती थी कि ये थोड़ी और मॉइस्चराइजिंग हो। सो अगर विंटर्स में इसे अप्लाई करना हो तो डेफिनेटली आपको इससे पहले मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज़ करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही आप इसे लेयर अप कर सकते हैं। समर्स के लिए दिस अलोन इज़ परफेक्ट और ये अकेले ही मॉइस्चराइजिंग पार्ट भी कर देती है जो कि सफिशियंट रहता है समर्स के लिए। इन जनरल दिस इज़ अ वेरी गुड सनस्क्रीन फॉर बेबीज़। अपार्ट फ्रॉम मॉइस्चराइजिंग पार्ट, ये काफ़ी टाइम ले लेती है एब्जॉर्ब होने में। इसको 1-2 मिनट्स लग जाते हैं स्किन में ब्लेंड होने में। आई रेट इट 4 out of 5। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।